एवरीवन नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। तो वीकेंड का व्लॉग है, यानी कि संडे का दिन है। सुबह की अभी 8 बज रही है, दिन संडे का है, छुट्टी का दिन है, सिर्फ बच्चों की छुट्टी है। बाकी मेरे तो संडे के दिन बहुत ज़्यादा काम होते हैं, संडे को या फिर सैटरडे हो, दो में से कोई एक दिन मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ और एक दिन जो है वो मैं अच्छे खासे काम जो है वो निपटाती हूँ। तो सैटरडे के दिन मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं निकाले थे, तो आज संडे का दिन है तो आज फिर मुझे कुछ ना कुछ काम जो है वो निकालना ही है। तो आज एक तो मुझे ये जो सोफ़ा है इसको अच्छे से डीप क्लीन करना है। अभी सर्दियां जो है वो जाने लगी है और गर्मी जो है हमारे यहाँ पर तो अच्छी खासी पड़ने लग गई है। तो अभी थोड़ी सी ना जो हवा चल रही है ना, हवा के साथ में एकदम बारीक सी धूल मिट्टी आती है, तो उसकी वजह से मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि फ्लोर पर इतनी मिट्टी मिट्टी दिखती है ना, तो सोफ़े के ऊपर भी उतनी मिट्टी जमी जाती है, चाहे सोफ़े के कवर जो है वो भी लगा के रखो तो भी। तो वीक में मैं एक बार जो है वो इस तरीके से डीप क्लीन ज़रूर करती हूँ। जो ब्रश है उस ब्रश से अच्छे से जहाँ पर स्टिचिंग होती है ना सोफ़े की, वहाँ पर अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि वहाँ पर है ना मिट्टी की एक लेयर सी बन जाती है जो हमको दिखती तो नहीं है लेकिन वहाँ पर होती है। तो पूरे सोफ़े को अच्छे से क्लीन करूँगी और सोफ़ा का जो कवर है वो भी मुझे आज चेंज करना था। अच्छा, आप में से मुझे कोई पूछ रहा था कि श्रद्धा सोफ़े के कवर कितने दिन में आप धोते हो, तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा मैंने बिछा के रखा। अगर मैंने लाइट कलर का सोफ़े का कवर बिछाती हूँ ना तो मैं फिर 8 से 10 दिन में उसको चेंज कर देती हूँ, क्योंकि वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। और यदि मैं वो ब्लू वाले है ना, डार्क कलर वाले, अगर वो अगर बिछाती हूँ तो फिर 12-15 दिन भी हो जाते हैं, तो उसके बाद मैं वॉश करती हूँ। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा मैंने बिछा के रखा है। और हाँ, तो आज मुझे सोफ़े के कवर जो थे वो वॉश करने थे, तो मैंने सोचा कि सोफ़ा जो है उसको भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। मॉर्निंग में सुबह आज 6:15 बजे के करीब उठ गई थी और उठने के बाद में जो मॉर्निंग के जो काम होते हैं अर्ली मॉर्निंग के, वो काम मैंने आज निपटाए थे। सबसे पहले तो मशीन ही चलाई थी मैंने, रात को ही कपड़े मशीन में डाल दिए थे, तो जो कपड़े थे रूटीन के वो सारे मैंने वॉश कर दिए। खाली अभी परिविहान जो है उनके नहाना बाकी, बाकी मम्मी जी, बाबूजी और जैन साहब ये तीनों जने गए हैं मंदिर। परिविहान जो है वो अभी नहीं गए क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, 23 से उनके एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे और अभी 2-3 दिन ही बाकी है। तो अभी उनकी जो पढ़ाई है वो अच्छी खासी जोरों शोरों पे चल रही है और इसलिए मैं भी सोच रही हूँ कि जो भी घर के एक्स्ट्रा काम है ना वो बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने के पहले मैं निपटा दूँ, क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद में तो फिर मुझे भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी मुझे टाइम मिलेगा उसके अंदर मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। अगर नहीं भी पढ़ाऊँगी तो भी उनके आस पास ही मुझे रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर बस सोफ़े के कवर जो थे वो मैंने चेंज कर दिए थे और जो पुराने सोफ़े के कवर है वॉश करने के वो मैंने डाल दिए हैं मशीन के अंदर। तो बस ये वाला काम जो है वो कर दिया है और अब मैं जाऊँगी किचन में फटाफट से। यहाँ पर कर रही हूँ मैं लंच की तैयारी। लंच में क्या बनाना है ये डिसाइड रात को ही हो जाता है और जो कुछ तैयारी करनी होती है वो भी मैं रात को कर लेती हूँ और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है मॉर्निंग में। तो रात को ही दिमाग में था कि मुझे बनानी है तोरी की सब्ज़ी और वो भी बनाऊंगी भरवा, तो रात को ही मैंने छील के रख दी थी। और इसको छीलने में वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो अगर मैं सुबह सुबह लेके बैठूंगी ना तो मेरे 15 से 20 मिनट ख़राब होते हैं। तो रात को ही मैंने यहाँ पर साफ़ करके रख दी थी इसको। तो अभी इसके अंदर बस मुझे मसाला जो है वो भरना है, तो यहाँ पर मैंने मसाला तैयार कर दिया है। मसाले के लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच सूखा धनिया का पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा अमचूर का पाउडर, बस ये सभी चीज़ें जो है वो मिक्स कर दिए। और जब भी भरवा तोरी बनानी होती है ना तो मैं मतलब चुन चुन के लेके आती हूँ कि जितनी पतली रहेगी ना तो वो खाने में टेस्टी भी लगती है, थोड़ी सी मीठी होती है वो और अच्छे से पक भी जाती है। तो कुछ तो मुझे पतली मिल गई थी लेकिन उस पे से एक तोरी ऐसी थी ना जो थोड़ी सी मोटी थी। तो बस अब इस तरीके से कट लगा के इसके अंदर मसाला जो है वो भर दूँगी और साथ में मैं बनाऊँगी छिलके वाली मूँग की दाल, तो उसको मैंने भिगो के रख दिया है। तो दाल को बनाने से पहले यदि आप थोड़ी देर पहले भिगो दो ना तो दाल जल्दी पकती तो है ही है और थोड़ा सा टाइम जो है वो भी आपका बच जाता है। और
एक यहाँ पर मैं आपको टिप जो है वो ज़रूर दूंगी कि दाल को बनाने से पहले अगर आप भिगो देते हो ना तो दाल को पकने में ना कम टाइम लगेगा। उससे क्या होगा कि जो दाल के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, दाल के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, वो तो आप सबको पता ही होगा। तो जितनी देर अगर आप दाल को गैस पे रखोगे ना तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो सारे जल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, फिर उस दाल को खाने का कोई मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हमको नहीं मिलता है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि आधा एक घंटा पहले यदि हम दाल को भिगो देते हैं ना तो वो कम टाइम में पक जाएगी, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स रहेंगे ना वो बरकरार रहेंगे। तो इसीलिए मैंने मूंग की दाल थी उसको मैंने भिगो दी थी, और मतलब करीबन आधे पौन घंटे भिगोने के बाद में ही मैंने मतलब दाल जो थी ना वो बनाई थी। तो और मूंग की दाल जो होती है वो तो वैसे भी मतलब अगर आप भिगो के बनाओगे ना तो एक सीटी में पक जाती है, अदरवाइज 2 से 3 सीटी लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर सारे ही जो तोरी है उसके अंदर मैंने मसाला भर दिया है, थोड़ा सा मसाला मैंने बचा के रखा है, उसको फिर मैं बाद में यूज़ में लूँगी। पैन लिया है, पैन के अंदर मैंने लिया है थोड़ा सा तेल डाला है। अच्छा, ऑयल के लिए भी आप लोग पूछ रहे थे कि श्रद्धा कौन सा ऑयल यूज़ में लेते हो, तो मैंने ना मेरा जो डीमार्ट वाला जो होल वीडियो होता है, ग्रोसरी होल वीडियो, उसमें मैं आपको बताती रहती हूँ कि मैं एक तरीके का ऑयल जो है वो नहीं खाती हूँ, चेंज करती रहती हूँ। और ये अपना जो रिफाइंड ऑयल होता है ना वो तो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है, मतलब 2-3-4 महीने हो गए मैंने जो ये अपना होता है ना अपना रिफाइंड ऑयल, हाँ वो तो बिल्कुल मैंने लाना बंद कर दिया। फिल्टर्ड ऑयल लेके आती हूँ, कभी ग्राउंडनट लेके आती हूँ, कभी सनफ्लावर होता है, कभी सोयाबीन, तो इस तरीके से चेंज करती रहती हूँ। हाल फिलहाल में मैं यहाँ पर ग्राउंडनट ऑयल जो उसका यूज़ करा था, थोड़ा सा राई जीरा हींग डालने के बाद में जो तोरी थी वो सारी उसमें डाल दी है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से उसको हिला दिया, उसके बाद में ढक के उसको लो फ्लेम पर पकने देंगे। और यहाँ पर मैंने जो दाल है उसको भी तड़का लगा दिया है, बीच में छोटे मोटे काम थे वो मैं निपटा के आई थी। बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना वो रिकॉर्ड नहीं करती हूँ क्योंकि रोज़ एक ही चीज़ बताऊँगी तो आप लोग बोर भी हो जाओगे, और दूसरा है कि वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी हो जाएगा। आज का वीडियो वैसे भी थोड़ा सा बड़ा है तो आप देखना ज़रूर, खैर अच्छा है। छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने करी है वो सब कुछ आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करें, और वीडियो यदि थोड़ा भी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी आप कर लेना। तो यहाँ पर बस दाल जो थी उसको तड़का लगा दिया था और बस अभी एक सीटी में वो पक जाएगी। और यहाँ पर फटाफट से मैं लगा रही हूँ आटा। तो मॉर्निंग में मैं 2-3 काम जो होते हैं ना वो फटाफट जो है वो करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, मेरे मुँह से ये फटाफट शब्द कई बार निकलता है, तो कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था तो मेरे पास में कमेंट आया था कि श्रद्धा फटाफट काम बहुत करते हो आप, फटाफट बहुत करते हो, तो मुझे ये पता नहीं चला कि एग्जैक्टली वो क्यों बोल रहे हैं। फिर बाद में मुझे क्लिक हुआ कि शायद वीडियो में जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना तो ये फटाफट शब्द मेरे मुँह से कुछ ज़्यादा ही निकलता है। तो हाँ, निकलता है, कुछ होते हैं ना, कुछ एक आध वर्ड होते हैं जो शायद सबके मुंह पर होते ही हैं, वो हर टाइम निकल के आते हैं, तो वही चीज़ मेरे साथ में भी है। तो यहाँ पर आटा जो था वो लग गया था, चावल मैंने पहले ही भिगो के रख दिए थे तो चावल भी मैंने चढ़ा दिए, और यहाँ पर तोरी की सब्ज़ी जो है वो भी बिल्कुल बनकर हो गई है रेडी। तो एक बार कि इसको बस मैं हिला दूँगी, उसके बाद में जो मैंने मसाला बचाया था वो मसाला इसके ऊपर डाल के हिला के और सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए पकाऊंगी, और उसके बाद में गैस जो है वो बंद कर देंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल मसालेदार भरवा तोरी की सब्ज़ी बनकर हो गई है रेडी। आटा लगा ही दिया है, चावल चढ़ा दिए हैं, और दाल जो है वो भी बन गई है। अब मैं आपसे यहाँ पर थोड़ा सा लेट मिल रही हूँ, बीच में कुछ चीज़ें मैंने स्किप कर दी थी, मंदिर जाके आ गई थी। अच्छा, आज मैंने शावर जो था वो सुबह जल्दी ही ले लिया था। जब भी छुट्टी का दिन होता है और जब मैं लेट उठती हूँ ना तो फिर मैं ना उठ के पहले शावर ले लेती हूँ, उसके बाद में ही घर के काम जो है वो स्टार्ट करती हूँ। तो मॉर्निंग में शावर ले लिया था, उसके बाद में खाने की तैयारी करके मंदिर चली गई थी, और आने के बाद में सबके लिए खाना वाना बनाया, और भी हाल फिलहाल में सबने खाना खा लिया है, जैन सब चले गए हैं शॉप पे, और बाकी बच्चे जो है वो उधर अपने स्टडी कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपना किचन क्लीनिंग का काम। तो बर्तन जो थे वो एक बार के तो मम्मी जी ने साफ़ कर दिए थे जो हमने खाना खाया था, वो अभी थोड़े बहुत और बर्तन निकलेंगे। बर्तन तो मतलब कुछ नहीं है, जो गैस के स्टैंड वगैरह होते हैं या फिर संडासी होती है या फिर जो भी चीज़ें काम करने के टाइम में हाथ लगाती हूँ ना तो उनको मैं वॉश करती हूँ, तो वो सारे अभी मुझे क्लीन करने हैं।
आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरा वीडियो यदि देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, थोड़ा भी वीडियो का कुछ भी पार्ट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। बिना लाइक करे हुए आप मत जाइएगा। और छोटा सा कमेंट अगर आपका मन होता है तो ज़रूर कीजिए, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलता है। और मेरे वीडियो को आप प्लीज़ शेयर कीजिए। व्यूज़ जो है वो आजकल पता नहीं क्यों कम आ रहे हैं। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतने अच्छे अच्छे वीडियोज़ जो है वो, जबकि आजकल शेड्यूल जो है वो थोड़ा सा हैक्टिक है, क्योंकि एक तो बच्चों के एग्ज़ाम जो है वो आ रहे हैं, बाकी घर में भी मतलब मम्मी जी बाबू जी और ये हैं, तो देखो ऐसा होता है ना कि घर में मेम्बर ज़्यादा हैं तो काम भी थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम ऐसे भी होते हैं जो कि मैं आपके साथ में शेयर नहीं भी कर पाती हूँ। तो इतने बिजी शेड्यूल के अंदर भी मैं सोचती हूँ कि मैं डेली वीडियो जो है वो आप सबके लिए लेकर आऊँ, क्योंकि बहुत सारी मेरी प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर जो है वो मेरे वीडियोस का वेट करती है। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो वेट करे और मैं वीडियो अपलोड ना करूँ। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे, अच्छे अच्छे व्यूज़ आएंगे ना। तो मैं कितनी भी बिज़ी होंगी, कितना भी मेरा मूड ख़राब होगा, कुछ भी होगा, तब भी मैं वीडियो जो है वो आप सबके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। तो बस इतना सा आप मुझे सपोर्ट कर दीजिए मेरे वीडियो को। अगर आप आज मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आज मेरे वीडियो को आप शेयर ज़रूर करना। आप अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर मेरे वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे जाके भी शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर है तो इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यदि मेरा वीडियो पहुँचेगा तो व्यूज़ जो है वो अपने आप बढ़ जाएंगे। तो बस इतनी सी हेल्प जो है वो आप सबसे चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरी फीलिंग्स को समझेंगे और मेरे वीडियो को शेयर भी करेंगे। देखती हूँ कि कितने लोग मेरे वीडियो को शेयर करते हैं, और हाँ, शेयर करने के बाद में आप मुझे कमेंट ज़रूर कर देना कि आपने मेरे वीडियो को शेयर किया है, ठीक है। तो चलिए बातों बातों में, मेरे यहाँ किचन की क्लीनिंग का काम जो था वो आधा हो गया, आधा ही हुआ, आधा काम अभी बाकी है। तो किचन की जब क्लीनिंग करती हूँ ना, तो जो मेरा ये मेन प्लेटफॉर्म है ना, उसका जो एक कॉर्नर है उसको पहले मैं क्लीन कर देती हूँ, फिर वहाँ पर जितनी भी जो बची हुई सब्ज़ी वगैरह जो होती है ना वो सब मैं वहाँ पे रख देती हूँ, ताकि मेरा जो बाकी स्लैब है ना वो पूरा खाली हो जाए और फिर क्लीनिंग जो है वो थोड़ी सी आसान हो जाती है। खाना खैर सबने खा लिया है, अभी परी विहान जो है उन्होंने भूख नहीं थी एक्चुअली, और मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया, क्योंकि अगर भर पेट खाना खा के बच्चे पढ़ते हैं ना तो अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है। तो भर पेट खाना देने की बजाय बच्चों को थोड़ी थोड़े से इंटरवल में, मतलब घंटे दो घंटे में उनको थोड़ा थोड़ा खाना जो है वो देते रहना चाहिए, ताकि बच्चे जो है वो भूखे भी ना रहे और उनको नींद ना लगे। तो एग्ज़ाम के टाइम पर थोड़ा सा मेरी रूटीन जो है वो भी मैंने बदल दी है, और बच्चों की जो रूटीन है वो भी मैंने बदल दी है। तो और इसके अलावा जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे तो मैं छोटी मोटी चीज़ें आप सबके साथ में शेयर करती रहूँगी, क्योंकि मुझे पता है अगर घर के अंदर बच्चे होते हैं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है घर के काम, बच्चों की पढ़ाई, ये सब मैनेज करने में। बज गई है 4 और मैंने प्रस्थान किया है अपने किचन की तरफ, ठीक है। किचन में आई हूँ, किचन में कुछ देर पहले ही आ गई थी। आज तो मैंने कल तो मेरा मूड जो था वो बिल्कुल सही नहीं था, और मैंने आपके साथ में शेयर भी करा था, और मैंने पूछा था कि आप लोगों के साथ में भी ऐसा कभी होता है क्या, तो मेरे पास में कॉमेंट आए थे कि हाँ होता है। तो कई बार हो जाता है मूड जो है वो खराब होता है, तो रीज़न पता नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आज जो मेरा मूड जो है वो अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है, मस्त है। आज अच्छी खासी नींद निकाली थी, आज मैंने दिन को 1 से 1.5 घंटा में सोई थी। देखो मतलब 5-10-15 मिनट भी अगर अच्छी सी नींद आ जाती है ना, छोटी सी, तो उससे भी काफ़ी फ्रेश लगता है। तो आज तो मैंने 1.5 घंटा नींद निकाली है, और बस अभी कुछ बना के पी है। ये कुछ बर्तन थे वो मैंने क्लीन कर दिए हैं, और इधर ये टिंडोरी, ठीक है, ये टिंडोरी जब मैं सोई थी ना तो मैं बाहर डाइनिंग टेबल पर रख के सोई थी, तो मम्मी जी ने ये टिंडोरी जो है वो साफ करके रखी है। तो टिंडोरी की सब्ज़ी बनेगी, रोटी बनाऊंगी, और सोच रही हूँ कि आज थोड़े बहुत खिचड़ा पापड़ जो है वो फ्राई करके रख देती हूँ। थोड़े बहुत ही पड़े हैं, थोड़े बहुत ही बच गए हैं, अब मुझे फिर से बनाने पड़ेंगे। तो सोच रही हूँ खिचड़ा पापड़ जो है वो फ्राई करके डब्बे में भर के रख देते हैं, ठीक है।
आज का जो वीडियो है वो डिमांडिंग वीडियो है, और ये जो डिमांड थी वो मुझे इंस्टाग्राम से आई थी। कुछ जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो किया हुआ है, तो मुझे वहाँ पर भी आकर वो कमेंट करते, क्योंकि वहाँ पर भी मैं मिनी व्लॉग्स वगैरह डालती रहती हूँ। तो वहीं पर मुझे कमेंट आया था कि श्रद्धा आप अपना ना फुल डे रूटीन जो है वो शेयर कीजिए। तो मैंने सोचा आज संडे का दिन है तो काम तो खैर बहुत सारे हैं, तो आज आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। तो आज की वीडियो में मैंने अपनी पूरी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन जो है वो पूरी शेयर करी है, और इसीलिए वीडियो जो है वो थोड़ा सा मेरा बड़ा भी हो गया है। तो आप स्किप करके मत देखना, क्योंकि जब वीडियो मैं बड़ा बनाती हूँ ना तो आप लोग काफ़ी स्किप करके देखते हो ना, तो वीडियो के जो व्यूज़ होते हैं ना वो अपने आप ही कम हो जाते हैं। तो बस ये चीज़ मत करना, आप लोग देखना वीडियो को, अच्छा ही है खैर। और जो कुछ रेसिपीज़ वगैरह मैंने आपके साथ में शेयर करी, अगर वो भी आपको अच्छी लगती हो, कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह है वो अगर अच्छी लगती हो ना, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, एक कमेंट मेरे पास में ये भी आया था कि जैसे कि आप सबको ये तो पता ही है कि हम लोग जैन हैं और हमारे घर के अंदर लहसुन प्याज आलू ये सब यूज़ में नहीं होता है, तो चीज़ें जो होती है मतलब रेसिपी जो होती है वो थोड़ी सी लिमिटेशन में बनती है। तो मेरे पास में ये वाला कमेंट आया था कि जिन्होंने कमेंट किया था वो भी जैन है, तो उन्होंने कहा था कि जैन में भी आप बहुत सारी रेसिपी ट्राई कर सकते हो। तो रेसिपी जो है वो मैं ट्राई करती हूँ, हर दिन अलग अलग तरीके का खाना भी बनाती हूँ, लेकिन अभी मम्मी जी बाबू जी इधर ही हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो मम्मी जी बाबू जी नहीं खाते हैं, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं वो सब चीज़ें बनाऊँ, फिर हमारे लिए कुछ अलग बनाऊँ उनके लिए कुछ अलग बनाऊँ, तो इसीलिए चीज़ें जो है वो और भी ज़्यादा लिमिटेशन में हो गई है। वो बाहर की जो कुछ चीज़ें होती वो नहीं खाते हैं, मैदा नहीं खाते हैं, और बाबू जी तो खैर आपको पता ही है कि वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो खाना अवॉइड करते हैं, तो फिर इसीलिए मैं चीज़ें जो है वो थोड़ी सी अभी कम ही बना रही हूँ। बाकी ऐसा नहीं है, बच्चों के लिए तो मैं बनाती रहती हूँ, मॉर्निंग में जब बच्चों का टिफ़िन बनता है तो मैं तरह तरह की चीज़ें जो है बनाती हूँ। इसके अलावा भी यदि आपके पास में कुछ और भी अच्छे अच्छे आइडियाज़ है जैन रेसिपीज़ के लिए तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर बस मैंने सबसे पहले तो टिंडोरी की सब्ज़ी जो थी उसको तड़का लगा दिया था, और आटा जो था वो गूंथ के रख दिया है, और फिर मैं यहाँ पर कर रही हूँ खिचा पापड़ फ्राई, ताकि जब तक खिचा पापड़ फ्राई करूँगी ना तब तक सब्ज़ी जो है वो भी बन जाएगी, आटा भी सेट हो जाएगा, और बस उसके बाद में मम्मी जी बाबू जी भी आ जाएंगे गार्डन से, तो फिर हम सब लोग खाना खाएंगे। तो इसी के साथ में ही मैं बढ़ गई हूँ यहाँ पर वीडियो के एंड की तरफ। उम्मीद करते हो कि आपको मेरा आज का वीडियो, मेरी कुछ रेसिपी, मेरा जो रूटीन था वो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कर देना। हाँ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलती हूँ एक और नए दिन, नए वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।